क्या ये क्या जेपी नड्डा मेरे प्रोफेसर हैं क्या कि मैं इनको जवाब देता जाऊं कि कौन है ये, क्या ये हिंदुस्तान के प्रोफेसर हैं, टीचर हैं क्या, उनका क्यों जवाब दूं मैं, कौन होते हैं वो? मैं हिंदुस्तान का जवाब देता हूं, किसान का जवाब देता हूं, किसान मुझसे कोई भी सवाल पूछे जवाब दूंगा। प्रश्नों का उत्तर नहीं आता तो कबूल करो असफलता, लेकिन उन्होंने खेती पर सवाल पूछे, उन्होंने चाइना पर सवाल पूछे, एक का भी जवाब देने के बजाय अपनी चिरपरिचित असभ्यता का परिचय देते हुए राहुल गांधी ने कहा नड्डा कौन होते हैं मुझे पूछने वाले। अरे नड्डा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है। और ये जो पूरा एग्रीकल्चर सिस्टम है ये अपने तीन चार मित्रों को देना चाहते हैं, ये रियलिटी है। वो हिंदुस्तान के एग्रीकल्चर सिस्टम को तीन चार लोगों के हाथ में करना ही चाहते हैं और हमें उनको रोकना है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि चार पांच परिवार देश पर हावी है, देश में राज किसी परिवार का अब नहीं है, 125 करोड़ जनता का राज है, ये फर्क हुआ है। 50 साल कांग्रेस ने जब सरकार चलाई तो एक ही परिवार की सरकार चली, एक ही परिवार सत्ता में रहा, तो परिवार की चार पांच लोगों की सत्ता वो एक परिवार के ही सदस्य होते थे, वो कांग्रेस का परिचय है, बीजेपी का नहीं। खेती कानून खिलाफ किसान दिल्ली दिया सड़कां मली बैठे ने, उन्हां वल्लों खेती कानून रद्द करन दी मंग कीती जा रही है, तां दूजे पासे सियासतदान किसानी मसले ते अपनियां रोटियां सेकदे नजर आ रहे ने। कांग्रेस दे साबका प्रधान राहुल गांधी वल्लों खेती का खून नाम दा एक बुकलेट जारी कीता गया है। इस दौरान उन्हां केंद्र सरकार ते निशाना साधिया, कहा है कि देश च अज चार पंज लोक मालक बन गए ने, जिस तों बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राहुल गांधी नूं मोड़मा जवाब दिता है। उन्हें कहा है कि कांग्रेस वल्लों 1984 च 3000 सिखां दा कतलेआम किया गया, कि ओ खून दा खेल नहीं सी, ते उन्हां दी सरकार समय लखां किसानां ने खुदकुशी की है। कांग्रेस को खून से बहुत ही प्यार है, शब्द से खून की दलाली, बहुत सारी बार ऐसे शब्दों का उपयोग किया है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, खेती का खून आप कह रहे हो, लेकिन आपने खून का खेल खेला, विभाजन के समय लाखों लोग मरे, क्या वो खून नहीं था? 84 में 3000 सिखों को दिल्ली में जिंदा जलाया गया, क्या वो खून का खेल नहीं था? भागलपुर में हजारों लोग मारे गए, क्या वो खून का खेल नहीं था? लाखों किसानों ने आत्महत्या की, क्या उनके शरीर में खून नहीं था? कांग्रेस के जमाने में की। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि चार पांच परिवार देश पर हावी है, देश में राज किसी परिवार का अब नहीं है, 125 करोड़ जनता का राज है, ये फर्क हुआ है। 50 साल कांग्रेस ने जब सरकार चलाई तो एक ही परिवार की सरकार चली, एक ही परिवार सत्ता में रहा, तो परिवार की चार पांच लोगों की सत्ता वो एक परिवार के ही सदस्य होते थे, वो कांग्रेस का परिचय है, बीजेपी का नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने आम आदमी को एम्पावर किया और आज 125 करोड़ लोग की सरकार चल रही है, 125 करोड़ लोग आज सत्ता में है। मुझे सबसे आश्चर्य हुआ कि भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे प्रमुख पार्टी है, उसके अध्यक्ष नड्डा जी ने सवाल क्या पूछे, राहुल गांधी भाग गए। प्रश्नों का उत्तर नहीं आता तो कबूल करो असफलता, लेकिन उन्होंने खेती पर सवाल पूछे, उन्होंने चाइना पर सवाल पूछे, एक का भी जवाब देने के बजाय अपनी
चिरपरिचित असभ्यता का परिचय देते हुए राहुल गांधी ने कहा नड्डा कौन होते हैं मुझे पूछने वाले। अरे नड्डा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है, सबसे बड़े पार्टी के अध्यक्ष है। देश में अनेक सभी राज्यों में अनेक राज्यों में हमारी सरकार है, उसके प्रमुख है। वो देश के जनता के सवाल आपको पूछ रहे थे और आप सवालों से भाग रहे थे। मूल कांग्रेस का खेल क्या है, ये क्यों आज प्रेस कॉन्फ्रेंस? कल 10वां राउंड की चर्चा है, किसान और सरकार के बीच, तो कैसे भी करके वो असफल कैसे करना, क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती कि किसान के समस्या का समाधान हो, सरकार और किसान की वार्ता सफल हो, ये कांग्रेस नहीं चाहती। और इसलिए वो विरोध अवरोध ये नीति अपनाते हैं। दस दी के राहुल गांधी वालों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बयान दिता गया कि मुट्ठी पर लोकां दा देश दी अर्थव्यवस्था ते कब्जा हो रहा है। नाल ही उन्हां कहा कि नवी खेती कानूनां नूं इस तरह नाल बनाया गया है कि देश दे खेतीबाड़ी खेतर नूं बर्बाद कर देणगे, जिस दा उन्हां वालों विरोध किया जाता है। जिस तों बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राहुल गांधी नूं मोड़वां जवाब दिता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाबी लोक चैनल।